बस बस ओ भाई गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स। तो आज फाइनली हम जा रहे हैं गंगोत्री के लिए और आज है पहला दिन। तो और आज हमारा प्लान है देहरादून से जाएंगे। पहले तो कल गाड़ी ली थी, सबसे पहले डाटका ले जाएंगे भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आज तो इतनी गाड़ी नहीं, सारी डाटका ली गई है। ये तो मतलब 8-10 हो गई है। करेक्ट करेक्ट, अभी जाएंगे गाड़ी लेने के लिए, डाटका लेंगे, पूजा करवाएंगे और उसके बाद निकलेंगे स्ट्रेट अवे देवल सारे के लिए, जो कि लगेगा हमें 2-2.5 घंटे का। रुक रुक के जाएंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट किया नहीं है, सुबह के अभी बज रहे हैं 6। जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे स्ट्रेट अवे देवल सारे। देवल सारे में बहुत सारी सीनिक ब्यूटी है, मंदिर है, वो सब घूमेंगे। बहुत वैसा टाउन है लाइक हर्षिल है ना, जैसे हर्षिल भी एक अपने आप में मतलब उसकी टाउन की अपनी एक बहुत हेरिटेज और क्या बोलते हैं उसको, हिस्टोरिकल वो है। चलो ठीक है, छोटा गांव है एकदम देवलसारी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई गया नहीं, मैं जाते हैं पहले जाने डाटकाली और उसके बाद रास्ते में डाटकाली डाटकाली जाना जरूरी है भाई। डाटकाली हिलूंगा नहीं मैं जी। जाएंगे डाटकाली के दर्शन करवाते हैं, गाड़ी करते हैं पूजा और उसके बाद आपको रास्ते में दिखाएंगे जहाँ पे रुकते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और जाएंगे देवलसारी। तो आज का व्लॉग होने वाला काफी इंटरेस्टिंग। तो गाइस बस ओ भाई नहीं गाड़ी हाइब्रिड आ रही है इसमें गजब, मैं एयरबैग खुले नहीं है बिल्कुल भी, आगे दे मारी पूरा दिवस भाई। ओहो भाई नीचे से पूरा गया, पूरा तेल निकल रखा है उसका, खत्म हो गई गाड़ी। भैया गाड़ी चलाओ आराम से, इतनी बढ़िया आराम से, इतनी बढ़िया रोड है और सामने कैमरा भी सब पता लग जाएगा कैसे टूटी गाड़ी। हाँ फिर भी खामा खामे और रात को हो रखा है काम, रात को भाई गाड़ी आराम से 20 से मेरे फ्लाईओवर चढ़ गए हैं और यहाँ से लगेगा कम से कम 15-20 मिनट, 15-20 मिनट लगेगा यहाँ से, 15-20 मिनट यहाँ पहुँच जाएंगे डाटकाली मंदिर में। तो अभी तो हम जंगलों में घुस गए हैं क्योंकि जंगलों का रास्ता आता है बहुत ही शानदार और साथ में ये फ्लाईओवर बन रहा है, ये रास्ता सीधा स्टेडियम दिल्ली के लिए बना है ना, ये आगे कनेक्ट करेगा ये बिहारी गढ़ पे, बिहारी गढ़ और सीधे सीधे से नदी है, नदी आगे नदी हाँ। नदी के ऊपर ऊपर फ्लाईओवर बना दिया है, तो ये वाला फ्लाईओवर है ये बन रहा है और दिल्ली का रास्ता हो जाएगा बहुत ही कम 2.5 घंटे का गडकरी जी की मेहरबानी से। तो 2.5 घंटे तक बोलने वाली बात है, 3 घंटे बहुत कम हो जाएगा, अभी तो 6 घंटे लगते हैं, नहीं नहीं 4.5 घंटे लगते हैं, फिर भी 1 घंटा कम हो जाएगा, 1-1.5 घंटा कम हो जाएगा, तो फिर दिल्ली आने जाना तो यूं हो जाएगा, यूं चुटकियों में। वहाँ जाएंगे करेंगे पूजा गाड़ी की और उसके बाद निकलेंगे अपने ट्रिप के लिए। प्रसाद सर प्रसाद लेते हुए फाइनली होगी पूजा खत्म और गाड़ी की पूजा करके हम निकल पड़े हैं अब अपने ट्रिप पे। अब जाएंगे देवलसारी और उससे पहले रास्ते में करेंगे नाश्ता, तो लेट्स गो। तो अभी भी कभी भी गाड़ी की पूजा करानी हो डाटकाली आना है तो आप आना अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अगर लेट आओगे तो भीड़ बहुत ज्यादा मिलती है। सैटरडे भी है भाई, अभी आया हमें प्रदूषण करवाने प्रदूषण जांच केंद्र में, क्योंकि गाड़ी का प्रदूषण कब बना था, आगे पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, जाना जरूरी है सब डॉक्यूमेंट्स लेके ताकि कोई दिक्कत ना आए। हमें अभी मालचेड डियर पार्क का जो फॉरेस्ट ऑफिस है वहाँ पर है जी, फॉरेस्ट ऑफिस में हमारे मित्र कार्यरत है, अभी वो हमें शायद वहाँ किसी अधिकारी का नंबर देंगे रेंजर वेंजर का, जो कि हमारे लिए इफ पॉसिबल अगर खाली होगा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है देवलसारी के अंदर खाली होगा तो हमें वहाँ अपडेट करेंगे, नहीं तो ₹50 का पराठा खा लो या चल इडली भी खा लेते हैं, डोसा खा लेते हैं बेस्ट, ठीक है।
भूख तो लग रही है सारा, खाना तो खिलाएगा नहीं, फिर भी बिस्किट लेके आए थे हमारे मित्र। मैं तो उड़ूपी में गाड़ी रोकी थी भाई, प्रभाकर भाई ने हाथ खड़े कर दिए भाई मैं सॉफ्ट ड्रिंक नहीं खाऊंगा, मुझे खाने पराठे, चलो पराठे खा लेते हैं। तो पराठे खा लेते हैं, लेकिन तब तक थोड़ा भूख मारने के लिए ये पिस्ता आलमंड कुकीज खाते हैं इस कैफे में, और यहाँ पराठे वराठे खाएंगे, देखते हैं खाते कुछ, वो देखते हैं क्या मिलता है, उसके बाद चलते हैं आगे। धूप भी हो रही है तो थोड़ा ठंडा वरना पियेंगे, ज़्यादा चाय पियेंगे, सुबह से कुछ खाया नहीं। कैसा है भाई नूडल्स? शानदार, ठीक है। काटना नहीं, बैठ जा। तो गाइस अभी आ गए हैं हम धनौल्टी के एक चौक पे जहाँ पे खाना वाना मिलता है। अभी यहाँ से होगा कम से कम कितना किलोमीटर? यहाँ से आई थिंक थचूड़ तो 29 किलोमीटर है। हाँ, एंड देन थचूड़ से मेरे ख्याल में 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर और होगा। तो अभी यहाँ पे चाय पानी करते हो, अगले ब्लॉग में भी देखेंगे आप की जगह, आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि वहाँ पे कहाँ कहाँ रह सकते हैं, कैंप कितने का लिया हमने, जो भी है वो डिटेल देंगे। हाँ, और तब तक आप देखिए सीनरी। रोड है काफी ज्यादा एक्सट्रीम कतई, और थोड़ा और टाइम लगेगा। पीछे एक बटरफ्लाई की भी थी, एक मैमल है ये। हाय मैं मैमल, और यू मैमल बिल्ली की तरह है ना? हाँ यार, जंगली बिल्ली है, जंगली बिल्ली। ओ शाहरुख खान की, क्योंकि वो जंगली बिल्ली बहुत पसंद है, वही बिल्ली है। तो हम अभी डेस्टिनेशन में पहुँचे हैं, अभी बज रहे हैं 2:30, खाने लंच का टाइम हो गया है, और होम स्टे में रह रहे हैं। सामने भैया बैग लेके जा रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ वो सामने वाला बहुत रेड फील होगी। तो वहाँ चलते हैं, खाना खाते हैं, चेंज करते हैं, और उसके बाद जाते हैं मंदिर में, और बहुत ही शानदार मंदिर है, ऊपर पहाड़ों में जाना है, तो देख सकते हैं आप पहाड़ है, हम वहाँ जाएंगे और आपको दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड। यहाँ पहुंच गए, अब बहुत थक गए ड्राइव करके, अब थोड़ा आराम करेंगे और फिर जाएंगे देवलचारी, वो देखने को मिलेगा आपको अगले पार्ट में। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सी यू टुमारो।